आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूसीसी पर बैकफुट में आई धामी सरकार, एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया, विपक्ष के निशाने पर आए सीएम धामी। हरीश रावत बोले, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हैं सीएम धामी। इंतजार इस बात का हो रहा था कि सूबे की धामी सरकार अपने वादे के मुताबिक किसी भी वक्त राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। सरकार ने भी हर मंच से इस बात को बार बार दोहराया कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, मगर यूसीसी लागू नहीं हो पाया और अभी 4 महीने तक लागू भी नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ने यूसीसी के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 27 सितंबर को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अभी तक यूसीसी की ड्राफ्टिंग तक नहीं हो पाई है। यूसीसी का कार्यकाल बढ़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार ने यूसीसी लागू करने के बजाय जब एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया तो विपक्षी कांग्रेस को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी को लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती, कोई भी राज्य यूसीसी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक कि पूर्व सीएम ने सीएम धामी को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बता दिया। आप मेरे एक कथन को, जब यूसीसी कहा जा रहा था तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झैंप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी साफ है कि अगले 4 महीने तक यूसीसी नहीं आने वाला और उसके बाद समय लोकसभा चुनाव का होगा। तब सरकार क्या निर्णय लेगी उस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।